यमुनानगर के बाल छप्पर गांव में बीते दिनों सरपंच पद की प्रत्याशी के घर के बाहर फायरिंग की गई थी और उसे चुनाव न लड़ने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया था और अब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने इस मामले में गांव के ही रहने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अमेरिका में रहने वाले गांव के ही दलजीत उर्फ कंग उर्फ बाबू के कहने पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। इसके लिए आरोपी ने गांव के रहने वाले गुरप्रीत उर्फ गोपी और अनिल उर्फ काला को इस वारदात में शामिल किया और इन दोनों ने ही शूटरों को हायर कर फायरिंग कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने इन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। बीते करीबन दो सप्ताह पहले एक गांव बाल छप्पर में फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जहां हमारे जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं उसमें एक प्रत्याशी के घर पर गेट पर फायरिंग करी गई थी और धमकी दी गई थी कि इलेक्शन ना लड़ने के संबंध में। उसी संबंध में एक थाना छप्पर में हमारा मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी मुकदमे के चलते कल दो लोगों को गिरफ्तार करा गया था, उनमें से गुरप्रीत सिंह है निवासी बाल छप्पर का तथा दूसरा अनिल कुमार है, वह भी निवासी गांव बाल छप्पर का। तो उन लोगों को अरेस्ट करने के संबंध में आज आप लोगों की जांच, ये इनका देखिए जो अभी तक बात जो हमारी जांच में सामने आई है वो पंचायती चुनाव को लेके जो गांव में रंजिश रहती है उसी के संबंध में इन लोगों ने इस अभी तक की जाँच में जो इनिशियल हमारे सामने फैक्ट्स आए हैं वो यही आए थे। उन्हीं के बिना भी जब हमने इन्वेस्टिगेशन चलाई थी फिर इन दोनों लड़कों की अरेस्ट हुई है और उन्होंने भी अभी बाबू का ही नाम आगे लिया है। शूटर्स और हैं, अभी इनको रिमांड पे 3 दिन को इनको रिमांड पे लिया गया है। जो उनकी डिटेल्स हैं फिर जैसे हम आपके साथ साझा करेंगे। अभी कितना उसका राइवलरी का इशू था, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चाहता था कि गांव में उसका वर्चस्व कायम हो, इसलिए उसने इन वारदातों को अंजाम दिया। ये दोनों ही बाल छप्पर के रहने वाले। तो सर तक ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन हम पूरा रिकॉर्ड चेक करवाने लग रहे हैं। अगर कहीं और भी कुछ आएगा या पहले भी हमारे यहाँ 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स खासकर थाना छप्पर के एरिया में हुई हैं तो उनमें भी अगर इनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उसमें भी। अभी इनिशियली जो 307 में मुकदमा दर्ज हुआ था और आर्म्स एक्ट और 506 की इनमें धाराएं थी और आगे भी जैसे जैसे जो कुछ और चीज़ें हमारे सामने नहीं आएंगी तो वो सेक्शंस भी अकॉर्डिंग की जाएगी। अभी तक देखिए चीज़ सामने नहीं आई है कि डायरेक्टली हम कुछ कह सकें, आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी तो फिर हम उस चीज़ को नहीं। चुनाव तक देखिए हम सारी एहतियात बरतेंगे और जितना जो भी मैक्सिमम हम इंश्योर करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अभी पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उन शूटरों तक पहुंचेगी जिन्होंने प्रत्याशी अनुराधा के घर के बाहर फायरिंग की थी। पूछताछ के दौरान इनसे बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस आशंका जता रही है कि आरोपी थाना छप्पर एरिया में इस तरीके के अन्य वारदात में भी शामिल हो सकते हैं। गांव में सरपंच की हत्या मामले में भी अब पुलिस का शक US में बैठे दलजीत पर जा रहा है। यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।